ओके सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं यार, ये जो फोटो है ना यार, इसको जो मैं एडिट करूंगा यार, इसे भाई पर्णव पीजी की फोटो से यार कंपेयर मत करना, क्योंकि यार मैं आप सभी को फोटो एडिट करना सिखा रहा हूं एंड आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलते हैं पहले एड फोटो में। एड फोटो में जाने के बाद गाइस हम अपने मॉडल को लेकर आएंगे ठीक है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को करना है कि इसके ना मतलब पहले हम इसके एंगल को चेंज करते हैं गाइस, ठीक है, रोटेट कर लेते हैं गाइस, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस इसकी ओपेसिटी को कम करेंगे एंड जाएंगे हम इरेजर टूल में। जाने के बाद गाइस हम इसको नीचे की साइड से मतलब हमें मतलब टेबल के पीछे पहुंचाना, तो गाइस हम इसे सिंपली इस तरीके से इरेज कर लेंगे गाइस, ठीक है। तो सिंपली आप भी इरेज कर लेना। एंड गाइस मॉडल का बैकग्राउंड पहले से इरेज है, अगर जिसको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाओ वीडियो को देखो एंड गाइस बैकग्राउंड को इरेज करो। तो गाइस हमने इसको सिंपली गाइस डन कर लिया है, ठीक है। सो अब आप सभी को करना क्या, ऐड फोटो में जाना गाइस, आप सभी को PNG लेना गाइस, ठीक है। एंड गाइस बैकग्राउंड PNG सब कुछ फ्री है गाइस, अब सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। ओके गाइस, सो मैं यहाँ पे ले आऊँगा गाइस, ठीक है, PNG को मैंने लगा लिया गाइस। उसके बाद गाइस आप सभी को करना क्या गाइस, आप सभी यहाँ से सिंपली नीचे इरेजर टूल में जाके इसको सिंपली थोड़ा सा मतलब ये आ रहा पार्ट एक्स्ट्रा, तो हम इसको इरेज कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस आप भी देख देख के आराम से मतलब कर रहे हैं ना गाइस, सो हम यहाँ से करते हैं डन, ठीक है गाइस। सो उसके बाद गाइस हम सभी को करना क्या गाइस, हमें जाना है गाइस इस पे क्रॉप में जाना है, टूल्स में जाना है एंड गाइस एडजस्ट में जाना है। एडजस्ट में जाने के बाद गाइस हम इसकी ब्राइटनेस को कम कर देंगे एंड गाइस इन्वर्ट करेंगे, ब्रशेस में जाएंगे, हार्डनेस को कम करेंगे, साइज को थोड़ा सा बढ़ाएंगे एंड गाइस जूम करेंगे एंड गाइस इस साइड में थोड़ा डार्क करेंगे गाइस, ठीक है, ताकि गाइस हमारी शेडो जो आ रही है इसको हम डार्क करेंगे इसलिए, ठीक है। सो हम यहाँ से डन करते हैं एंड गाइस उसके बाद हमें करना क्या गाइस, चाहेंगे हम ड्रो टूल में एंड गाइस इसमें डोज एंड बन देंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं, गाइस पहले आप सभी को जाना है लेयर में जाना गाइस, ठीक है, आप सभी को लेयर को सिलेक्ट करना गाइस, ठीक है। एंड इसकी लेयर के ब्लेंडिंग मोड को ओवरले रखना है, ठीक है गाइस। एंड उसके बाद गाइस आपको ब्रशेस में जाना गाइस, ठीक है, इसकी ओपेसिटी को आपको गाइस मतलब कम रखना है गाइस 15-16 के आसपास एंड व्हाइट कलर को सिलेक्ट करना है गाइस, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को मतलब गाइस इसको पहले ये वाली लेयर को गाइस ऊपर रखना है एंड गाइस जूम करके जाना है गाइस, ठीक है। एंड अपने एंड गाइस सिंपली आप सभी को अपने फेस के ऊपर गाइस इस तरीके से आपको डोज करना है, ठीक है गाइस, इस तरीके से और नोज के ऊपर एंड यहाँ पे गाइस, ठीक है। तो गाइस मतलब मैंने गाइस साइज बढ़ा के किया, तो गाइस देखिए हमारे पूरे गाल पे आ गए, ठीक है गाइस। तो हम इसको करना क्या है गाइस, पहले हम इसको पहले अंडो करेंगे गाइस, ठीक है, पहले इसको मैं ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ गाइस कैसा रिफ्लेक्शन आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है गाइस। तो पहले हम इसको अंडो करते हैं गाइस पूरे को, ठीक है, ठीक है। तो पहले अंडो करने के बाद गाइस पहले फिर आप सभी को करना है गाइस साइज को, आप सभी को इसके छोटे करना है गाइस, ठीक है, पहले अंडो कर लेते हैं गाइस इसे एंड गाइस इसके बाद ब्रशेस में जाना है एंड गाइस साइज को आपको रखना है 40-41 तक का, जितना मतलब आप अपने हिसाब से रख लेना है गाइस। सिंपली आप सभी को ऐसे इस तरीके से आपको ऐसे करके अगर ड्रॉ करना है, ठीक है। एंड सिंपली आप सभी को यहाँ पे कर लेना, जहाँ जहाँ आपको गाइस शाइनिंग चाहिए हो वहाँ वहाँ कर लेना गाइस। एंड सिंपली फोटो को सेव करना है एंड इसमें हम करेंगे थोड़ा कलर करेक्शन, जो कि करते हैं हम लाइट रूम ऐप के अंदर हमेशा की तरह। तो गाइस लाइट रूम ऐप को ओपन करेंगे गाइस, ठीक है। एंड गाइस अभी तक आप सभी ने यार वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक कर दो एंड गाइस, ठीक है। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि यार आप सभी के लिए मैं ऐसे ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सो मैं फोटो को ऑल फोटोज में से अपनी फोटो को ले आता हूं गाइस, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को करना है क्या है, इस लाइट वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है। इस कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना है, हाईलाइट्स को कम करना है, शेडो को भी कम करना है, ठीक है, ब्लैक को भी कम करना है, नीचे वाले टूल में जाना है, ठीक है, थोड़ा टेंट को बढ़ाना है, ठीक है, एंड सैचुरेशन को भी बढ़ाना है गाइस, वाइब्रेशन को भी बढ़ाना है, मिक्स में जाना है, रेड कलर की ह्यू को कम करना है, एंड सैचुरेशन को बढ़ाना है, ऑरेंज कलर की ह्यू सैचुरेशन को कम करना है एंड ल्यूमिनस को बढ़ाना है। और यहाँ से कर लेना आप सभी को सिंपली डन एंड उसके बाद जाना है नीचे वाले टूल में, क्लियरिटी को बढ़ाना है, डस्ट को बढ़ाना है, विग्नेट तो डालना ही है, तो गाइस विग्नेट भी डाल देंगे गाइस, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस क्या करना है, ग्रेन अमाउंट को बढ़ाना है, नीचे वाले टूल में जाना है, शार्पिंग को बढ़ाना है, नोट डायरेक्शन को बढ़ाना है, ठीक है, एंड कलर नोट डायरेक्शन भी बढ़ा लेना है एंड गाइस चलते हैं नीचे वाले टूल में एंड इन दोनों को इनेबल कर देना है। एंड गाइस हमारी फोटो एडिट हो चुकी है, आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।